अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कश्मीर में आजकल एक अफवाह चल रही है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि यहाँ पर दुकानों में अब अल्कोहल बिकना शुरू हो जाएगा। तो मैं गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी में मैं रह चुकी हूँ और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उन्हें मैं जज नहीं करती और हमें करना भी नहीं चाहिए। मगर मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है तो वो गलत है। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो कम्युनिटी की रीज़न, कल्चरल रीज़न्स, जैसे कि गुजरात में अल्कोहल बैंड है क्योंकि वहाँ की कम्युनिटी को ये सब पसंद नहीं है। तो सिमिलरली जब कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी जगह, कश्मीर वैली की मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह की रूल्स लागू करना मुझे नहीं लगता कि यहाँ की फैमिलीज़ को, यहाँ के रहने वालों को ये बात अच्छी लगेगी। पहली बात वो है। दूसरी अपार्ट फ्रॉम दैट है कि मेडिकल रीजंस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सारे हमारे लोग हमारे लोगों में डिप्रेशन की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ऑलरेडी इतने डिप्रेशन की केसेस के बीच में अगर अल्कोहल अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि मेडिकली ये प्रूवन है कि अल्कोहल से डिप्रेशन बढ़ता है, तो मेरे ख्याल से वो एक और रीज़न है, मेडिकल रीज़न की वजह से अल्कोहल को यहाँ पे खुले में बिकने देना आई डोंट थिंक ये अच्छी आइडिया है। तीसरा रीज़न ये है कि ऑलरेडी यहाँ पे ड्रग मेनिया की वजह से बहुत सारा हमारा यूथ ड्रग्स एडिक्शन में फंसा हुआ है, तो उनको एक और एडिक्शन का चैनल देना मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। इस वक्त तो नहीं, ये सही वक्त नहीं है यहाँ पे ओपनली अल्कोहल को बिकने देना, ये अलाउ करने के लिए ये सही वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अपनी गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है। शायद वो ये सोच रहे हैं कि कश्मीर एक टूरिस्ट जोन है, टूरिज़्म जोन है, और शायद टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए अल्कोहल यहाँ अलाउ करना, फ्री कर देना ये शायद ज़रूरी है। अगर ऐसी बात है तो गवर्नमेंट ऐसे रूल बना सकती है कि सिर्फ होटल्स में अल्कोहल अलाउ करें, जो कि मेरे ख्याल से ऑलरेडी ऐसा रूल यहाँ एग्जिस्ट करता है। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो जब अपना अल्कोहल लेके आते हैं उन्हें वो अल्कोहल कंज्यूम करने की पूरी आज़ादी है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को एक बैलेंस तरीके से सोचने की ज़रूरत है और मुझे पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो हमारे भले के लिए लेगी। जय हिंद।